आई होप सब ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। सो देखिए, क्लास 11th फिजिक्स में हमने अब तक क्या पढ़ा? अब तक हमने देखा चैप्टर 1, जिसमें हमने पढ़ा बेसिक अबाउट द फिजिक्स। चैप्टर 2 में हमने पढ़ लिया था डायमेंशनल फॉर्मूलास और डायमेंशंस एनालिसिस की जितनी भी अप्लीकेशन थी, इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना था, या फिर किसी इक्वेशन के रिलेशन निकालनी है, या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात, ये सब कुछ हम डील करके आ चुके हैं। साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हमने पढ़े थे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के सिस्टम, जैसे SI सिस्टम था, FPS सिस्टम था, MKS सिस्टम था, ठीक है, CGS सिस्टम था, ये सब कुछ हमने अब तक पढ़ लिया है। कौन सी टर्म्स होती है जो हमारे पास क्या होती है, कंजर्व होती है, कौन सी कंजर्व नहीं होती है, ये भी हमने देखा था। सो आगे हम आ चुके थे काइनेमेटिक्स के टॉपिक पे, और काइनेमेटिक्स के टॉपिक में हमने अब तक क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा वेलोसिटी से रिलेटेड, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ी, मोशन इन अ प्लेन पढ़ा, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने क्या किए, न्यूमेरिकल्स भी किए। फिर बात की हमने वेक्टर वाले चैप्टर की, तो वेक्टर में हमने वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लीकेशन पढ़ी, और एनालिटिकल मेथड्स पढ़े वेक्टर एडिशन के, जिसमें ट्रायंगल्स लो आता है आपका, वेक्टर पैरेललोग्राम्स लो आता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हर टॉपिक हम अब तक पढ़ते आ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपनी एंगुलर टर्म्स से रिलेटेड। एंगुलर टर्म्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, बट किस वे में पढ़ा? हमने पढ़ा लीनियर वे, ठीक है, लीनियर वे इन अ सेंस, जहां पर मोशन कैसा था, लीनियर मोशन था। मोशन कैसा था, लीनियर मोशन था। लीनियर मोशन इन द सेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैसा मोशन है, किसी स्ट्रेट पाथ के ऊपर जो मोशन होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर मोशन या रेक्टिलीनियर मोशन। और यहां पर रिलेटेड टर्म्स हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब इन लीनियर से हम मूव करने जा रहे हैं किस टाइप के मोशन की तरफ, सर्कुलर मोशन की तरफ। हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की तरफ। सो इस चैप्टर का, सर्कुलर मोशन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सर्कुलर मोशन की कुछ टर्म्स से क्या करेंगे, डील करेंगे। सो कौन कौन से टर्म्स यहाँ पे इंक्लूडेड है वो देखते हैं और बात करेंगे कि सर्कुलर मोशन है क्या चीज। सो देखिए, सर्कुलर मोशन मतलब अ मोशन अलोंग ए फिक्स्ड पॉइंट। मैंने ये कोई फिक्स पॉइंट लिया, जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया, कोई भी फोर्स हमने क्या किया है, किसी पॉइंट के ऊपर उसको बांध दिया है, ठीक है, किसी घोड़े को किसी पॉइंट पे बांध दिया है। बांधने के बाद वो क्या कर रहा है, वो ऐसे ऐसे राउंड लगा रहा है, उसकी जो वो स्ट्रिंग है जिससे हमने बांधा, वो उस स्ट्रिंग को खींचे, मतलब वो क्या चाहता है कि वो ना बदला रहे, ठीक है, वो क्या करता है, ऐसे राउंड राउंड मूव कर रहा है। अगर वो इस तरीके से राउंड राउंड मूव करता है तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे मैंने उसको बांधा था, ये उसकी स्ट्रिंग थी, वो चाहता है कि वो फ्री हो जाए, तो वो क्या कर रहा है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ऐसे राउंड राउंड घूमने जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से उसने क्या किया, एक पाथ ट्रेस कर दिया, एक ऐसा पाथ ट्रेस कर दिया जो इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ था। किसी भी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जो पाथ ट्रेस हुआ, दैट पाथ इज सर्कुलर पाथ। ये कैसा पाथ बना, सर्कुलर पाथ। और जब भी आप एक किसी मोशन के अंदर सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करो, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन क्या हो गया, पाथ ए सर्कुलर पाथ, क्या हो गया, ए सर्कुलर पाथ ट्रेवल अराउंड ए फिक्स पॉइंट, किसी भी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जो क्या किया गया, एक पाथ ट्रेस किया गया, उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर पाथ। और इस तरह के पाथ कवर करेंगे तो उस मोशन को क्या नाम देंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो देखिए, ये हमारा हो गया सर्कुलर मोशन। अब हमसे कोई इसमें कहे कि इस सर्कुलर मोशन के अंदर आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी वेलोसिटी क्या है, या आपकी एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में हमारी थ्री टर्म्स यहां पर आ चुकी है। दीज थ्री टर्म्स आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि कैसी है, सर्कुलर मोशन के अंदर। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है मतलब लीनियर मोशन है, एंगुलर
केमिस्ट्री एंड द लास्ट एंड फाइनल इज एंगुलर एक्सेलरेशन. ये हम आज पढ़ेंगे रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन. सो देखिए, फर्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो पहले ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा था? हमने बात की थी जब डिस्प्लेसमेंट की, तो हमने कहा था कि सपोज कीजिए हम इस पॉइंट ए से चले और हमें जाना है इस बी पॉइंट तक. ठीक है, सो ए पॉइंट से हमें जाना है बी पॉइंट तक और यहाँ का सबसे छोटा रास्ता हमें चूज करना है. सबसे छोटा रास्ता क्या होता है? कि मैं ए से बिल्कुल स्ट्रेट पाथ से कहाँ जाऊं? बी पर जाऊं. ठीक है, इससे छोटा तो कोई रास्ता नहीं होगा. तो इस स्ट्रेट पाथ को, ये जो स्ट्रेट पाथ बना, ये स्ट्रेट पाथ कैसा पाथ हुआ? सबसे स्मॉलेस्ट पाथ हुआ. कैसा पाथ हुआ? स्मॉलेस्ट पाथ. तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का या दो प्लेसेस के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होता है, उसी रास्ते को हम क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. आई होप ये आपको समझ आया होगा. सो देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई फोर्स, जैसे हमने किसी फोर्स की बात की थी, यहाँ पे वो फोर्स है जो ऐसे मूव किए जा रहा है. ठीक है, तो इस फोर्स ने क्या किया? कुछ टाइम बाद ही यहां से यहां पहुंच गया. ए पॉइंट पे प्रेजेंट था, ए से कुछ टाइम के बाद कहां पहुंच गया? बी पॉइंट पर वो पहुंच चुका है. तो हम इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? पाथ तो हमारा कर्ण है. ठीक है, कर्ण पाथ है, हमें चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना. तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे कि ये जो सेंट्रल पॉइंट था, इस सेंट्रल पॉइंट के साथ ये ऐसे बना हुआ था, अब इसका सेंट्रल पॉइंट ऐसे बन रहा है, अब वो सेंट्रल पॉइंट से ऐसे चला गया है. तो इससे और यहां तक पहुंचने हुए उसने क्या किया? कुछ एंगल यहाँ पे बनाया. दैट एंगल इज थीटा. ठीक है, पहले वो यहाँ पर बंधा हुआ था, यहां से वो ट्रेवल करके यहां पहुंच गया. तो अब क्या हुआ? उसने अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में क्या किया? जिस पॉइंट से वो बना हुआ है उसके साथ उसने एक एंगल बनाया. ठीक है, दैट एंगल इज थीटा. इस थीटा एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम इसको, इस एंगल थीटा को. ठीक है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल ट्रांस्ड बाय एनी बॉडी टू मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. एक एंगल जो बनाया गया किसके द्वारा? किसी बॉडी के द्वारा. कब? जब वो क्या कर रही थी? एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ मूव कर रही थी या रोटेट कर रही थी. ठीक है, घूम रही थी किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ. तो वो जो एंगल उसने ट्रेस किया, दिस एंगल शो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वही एंगल हमारा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है. सो देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें मिली, हमने डिनोट किससे किया इसको? एंगल की फॉर्म में किया. तो एंगल की फॉर्म में इसको किससे डिनोट किया? थीटा से डिनोट किया. ठीक है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं. सो अगर हमने इसको थीटा से डिनोट कर दिया, इसकी डेफिनेशन हमने निकाली, तो कल को हो सकता है हमसे कोई पूछे कि इसकी यूनिट क्या है. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? सो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या हुआ? एक एंगल बना इस रोटेटिंग पॉइंट के ऊपर. ठीक है, तो इसी एंगल को हमने नाम दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगल बना, सो एंगल ही क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. और हमें क्या पता है? एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन. ये हमने पढ़ा था जब हमने 7 बेसिक और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ी एसआई सिस्टम के अंदर इन चैप्टर 2. चैप्टर 2 में हमने पढ़े थे वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स और वहीं पर हमने पढ़ा था एक यूनिट का सिस्टम, एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट. ठीक है, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक सिस्टम था जिसमें हमारी 7 बेसिक यूनिट होती है
और टू सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। तो वहां पर हमने दो सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ी थी, फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल था हमारा एंगल इन टू डायमेंशनल ऑफसेट, ठीक है, टू डायमेंशनल जो था, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था। कैसा ऑब्जेक्ट? सर्कुलर ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक सर्कल है, ये टू डायमेंशनल है, ठीक है। तो टू डायमेंशनल सर्कल का जो भी एंगल बना, ये एंगल हो गया हमारा प्लेन एंगल। लेकिन ऐसे ही किसी थ्री डायमेंशनल राउंड ऑब्जेक्ट की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, थ्री डायमेंशनल राउंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ग्लोब हमारे पास होता है, थ्री डायमेंशनल राउंड ऑब्जेक्ट होता है, एक फुटबॉल है, कोई बॉल है, क्या है, थ्री डायमेंशनल राउंड ऑब्जेक्ट है। तो उसके अंदर जो एंगल हम बनाएंगे, दैट एंगल इज सॉलिड एंगल। इस प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्ट्रेडियन, ठीक है। तो हमारा जो सर्कुलर पाथ है, ये कैसा है, टू डायमेंशनल है, मीन्स प्लेन एंगल है, और प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, जिसको आर ए डी से डिनोट किया जाता है, और ये एंगल ही हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए इसकी यूनिट भी क्या हो गई, रेडियन। रेडियन मीन्स आर ए डी से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए कोई हमसे ये पूछ सकता है कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि जब ए से बी पे जा रहे हैं हम, और तो हमारे पास क्या है, ए से बी पर जाते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना। हमने दो टाइप की क्वांटिटीज पढ़ी थी, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सो स्केलर क्वांटिटीज हमारी वो क्वांटिटीज थी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन हम उसकी नहीं बता सकते। लेकिन यहां पर देखिए, मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो मैं बता सकती हूँ ए से बी अगर मैं जा रही हूँ तो मेरी डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट, है ना, उस तरफ पड़ता है ईस्ट, इस तरफ आता है साउथ, तो मैं बता सकती हूँ डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट, ठीक है। अब कितनी स्पीड से जा रहे, ये जो टोटल डिस्टेंस बना, तो ये सपोज कीजिए यहां से यहां तक 20 मीटर है, सो मैग्नीट्यूड क्या हो गया मेरा 20, और डायरेक्शन क्या है, इधर होती है ईस्ट, इधर होता है साउथ, तो ये डायरेक्शन बन गई साउथ ईस्ट। अब दोनों चीजें मैंने यहां बता दू, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी टर्म निकल गई, एक वेक्टर टर्म आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये 20 था मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी साउथ ईस्ट। सिमिलरली आपकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, ये भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों कहते हैं हम एक वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि जो सर्कुलर पाथ है ना, इसके ऊपर टेंजेंशियली इसकी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, इसकी एक टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टर्म से रिलेटेड। आई होप आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट टू मूव अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। एक एंगल जो बना गया किसी ऑब्जेक्ट ने या किसी बॉडी ने, कब, जब वो एक फिक्स्ड पॉइंट में चारों तरफ रोटेट कर रही थी, दैट एंगल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल की यूनिट हो गई रेडियन, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या हो गई, रेडियन, जिसको आर ए डी से डिनोट कर दिया। और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इससे रिलेटेड कि हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ठीक है, और क्या उसकी रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसका फॉर्मूला है, किस तरह से हम उसकी डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक बार आगे बढ़ने से पहले देखिए, जब हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे थे, और डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, एक लेंथ मान के चलते हैं। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, मास यहां पर नहीं है, मीन्स मास की वैल्यू होगी जीरो, लेंथ है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस इन द सेंस लेंथ, लेंथ है तो एल की पावर हो गई वन, यहाँ पर कोई टाइम की तो बात नहीं आ रही, सो टी की पावर भी क्या होगी जीरो. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट. बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या है, अगर हमसे कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पूछे तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बता सकते हैं. सो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एंगल, और एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है. क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी और ना ही उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा. ठीक है, सो चलिए आगे चलते हैं, किससे रिलेटेड बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड. सो नेक्स्ट टर्म इज एंगुलर वेलोसिटी. क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ये थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है, नॉर्मल वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है, रेट मीन्स टाइम. टाइम के विद रिस्पेक्ट इस डिस्प्लेसमेंट जो कवर की जा रही है वो है हमारी वेलोसिटी, कि किसने पर्टिकुलर टाइम में हमने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है. ठीक है, सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या कौन में टाइम है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये हमारी क्या बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी. ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, टाइम मीन्स रेट ऑफ. ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट इसमें चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अवर एंगुलर वेलोसिटी. अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, सो व्हाट इज द यूनिट फॉर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है. सो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी, रेडियन थी, क्योंकि थीटा के फॉर्म में मेजर थी, डिवाइड बाय टाइम है तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड. सो रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. इसको हम चाहें तो इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, रेडियन सेकेंड इनवर्स. सेकेंड का इनवर्स क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये जो सेकेंड से ये डिवाइड में है, यहाँ कोई पावर नहीं मतलब वन है, ऊपर जाके ये पावर क्या हो गई, माइनस वन. ठीक है, सो दिस इज द यूनिट फॉर एंगुलर वेलोसिटी. अब बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की. सो डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम इससे निकालेंगे, इसके अपने नॉर्मल फॉर्मूले से निकालेंगे. अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स एंगल. एंगल क्या होता है, तो मैंने उधर पर जब बताया तो मैंने बताया था ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, मीन्स इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है. सो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है तो मतलब क्या है, एल भी जीरो है, एल भी जीरो है, टी भी जीरो. ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं होना मीन्स तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर जीरो हो जाना. डिवाइड बाय क्या है, टाइम. टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी पावर क्या है, वन, क्योंकि ये वन टाइम यूज हुआ है. अब इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो, नीचे वन. अब यहां देखिए बेस से डिवाइड के केस में पावर क्या होती है, सबट्रैक्ट. सो टी की पावर जीरो माइनस वन इज इक्वल टू टी की पावर माइनस वन. सो टी की पावर माइनस वन यहां से. This is the dimensional formula for angular velocity. अब इसकी notation की बात करते हैं तो याद रखना angular velocity को हम omega से denote करते हैं. किससे represent करते हैं, with the help of omega. जैसे आप W बनाते हैं ना, इसी तरीके से क्या बनाना है, omega. So this is the notation for angular velocity. आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारी थर्ड टर्म से रिलेटेड, जो हमारी थर्ड
अल्फा से हम किसको डिनोट करते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं पहले लीनियर एक्सेलरेशन से रिलेटेड। सो लीनियर एक्सेलरेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो हमारी नॉर्मल होती थी उसको हम क्या बोलते थे? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी में टाइम के विद रिस्पेक्ट कितना चेंज आ रहा है, दिस इज अवर एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी फिर? रेट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। क्या हो जाएगी? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि कुछ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी, कुछ फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी थी उसको मैंने मान लिया ओमेगा वन है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को हम कंसीडर कर लेते हैं ओमेगा टू। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी, दिस इज अवर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब वेलोसिटी में से वेलोसिटी को हम माइनस कर रहे हैं तो टर्म क्या बचे? कुछ ना कुछ वेलोसिटी ही बचेगी। तो इन दोनों के सबट्रैक्शन से बची क्या? कुछ ना कुछ वेलोसिटी की वैल्यू बची जिसको हमने ओमेगा से डिनोट कर दिया। सो ओमेगा अपॉन में टी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, फॉर्मूला हमें मिल गया। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं और साथ में इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। सो पहले देखिए यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हमने पढ़ी थी, क्या थी? रेडियन पर सेकेंड। अब यहां क्या हुआ? एक बार फिर टाइम डिवाइड हो गया, वहां पर टाइम एक बार डिवाइड था, अब दो बार हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सेकेंड की पावर टू। देखिए और सिंप्लीफाई कर लेते, क्या है हमारे पास? ओमेगा पर मिनटी है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पावर टू, ऊपर जाकर पावर होगी टी की पावर माइनस।